अगर तुम्हारे वीकेंड की बात करें या हमारे दर्शकों के वीकेंड की बात करें, तो उसके लिए है हमारे पास हमारा सेगमेंट फिल्मी कीड़ा। लेकिन जो फिल्मी कीड़ा के हमारे फिल्म एक्सपर्ट हैं मुर्तजा अली खान साहब, वो हैं इस वक्त बर्लिन में, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल फेस्टिवल में, जो अगर देखा जाए ना तो कान और वेनिस के साथ मेरे ख्याल से तीसरा सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, और बिल्कुल कहा जाए तो शायद फिल्मों का महाकुंभ कुंभ है। है। न जाने कितनी फिल्में यहाँ पे आ रही हैं। सलीन मुर्फी की फिल्म से यहाँ पर शुरुआत हुई और 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलने वाला ये फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर पूरे पूरे विश्व की सारी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं, बड़े बड़े फिल्मकार और बड़े बड़े एक्टर्स आने वाले हैं। तो मुर्तजा जी ले रहे हैं बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मजा, तो हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी चलते हैं बिल्कुल उनके पास बर्लिन हाँ, और देखते हैं कि कुछ क्या झलकियां। खास है इस बार बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में। नमस्कार, मैं फिल्म क्रिटिक मुर्तजा अली खान आपके लिए खास रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ बर्लिन से। जैसा कि आप जानते हैं, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस वक्त चल रहा है। 74th एडिशन इस फेस्टिवल का इस बार हो रहा है, और इस बार फेस्टिवल में बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, बेस्ट ऑफ यूरोपियन सिनेमा और इंडियन सिनेमा की भी बहुत स्ट्रांग दावेदारी है। वर्ल्ड सिनेमा में आने से पहले सबसे पहले मैं कुछ इंडियन सिनेमा के जो फॉलोअर्स हैं, जो एंथुजियास्ट हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि इस बार मनोज वाजपेयी की राम रेड्डी निर्देशित फिल्म द फेबल बहुत ज़्यादा बस क्रिएट कर रही है। यहाँ फेबल के अलावा भी अलग अलग सेगमेंट्स में, शॉर्ट फिल्म्स और अलग अलग तरह के सेक्शंस में, अगर हम फोरम की बात करें उसमें भी इंडियन फिल्म्स हैं, फोरम एक्सपेंडेड में भी इंडियन फिल्म्स हैं। अगर मैं शॉर्ट फिल्म की बात करूं तो एक अनारदाना नाम की फिल्म है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देन देर इज़ अ फिल्म कॉल्ड द गर्ल हु लिव्ड इन द लू, एक और फिल्म जो है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, उसकी एक स्पेशल मार्केट स्क्रीनिंग हुई है। ओ सीकर नाम की एक फिल्म है, एडमंड गर्ल नाम की फिल्म है। तो ओवरऑल 8 इंडियन फिल्म्स हैं, छोटी और बड़ी लेंथ अगर हम लाल हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस बार इंडियन सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। अगर हम वर्ल्ड सिनेमा की बात करें तो सबसे बड़ी खबर इस बार है मार्टिन स्कॉर्सेसी, लेजेंडरी अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसी। जैसा कि आप जानते हैं, स्कॉर्सेसी साहब की जो लेटेस्ट फिल्म है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज एट द ऑस्कर्स, और इस साल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभरी है। अगर मैं बर्लिनाले के मेन सेगमेंट की बात करूँ, वहाँ पर भी बहुत बड़े नंबर्स में लोग आ रहे हैं। और अगर मैं बर्लिनाले के जो पैरेलल सेगमेंट्स हैं, जैसे क्रिटिक है या फिर EFM है या फिर फोरम है या और जितने भी पैरेलल सेगमेंट्स चल रहे हैं बर्लिनाले के, वहाँ भी बहुत कमाल का फुटफॉल है। फिल्म मेकर्स, फिल्म एंथुजियास्ट, दे आर कमिंग इन ह्यूज नंबर्स। तो वर्ल्ड सिनेमा के हिसाब से, यूरोपियन सिनेमा के हिसाब से और इंडियन सिनेमा के हिसाब से भी ये एक बहुत मजबूत साल है बर्लिनाले का। ये दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल रहा है और अभी 74th एडिशन में है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बर्लिनाले ने अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई है कि वर्ल्ड सिनेमा के मामले में इट इज़ रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड अलॉन्ग साइड कान एंड वेनिस।